नेपाल प्रीमियर लीग इस बार तहलका मचाने वाली है। हमने बहुत सारी लीग के बारे में सुना, आईपीएल सबसे टॉप पर रहती है, इसके बाद अलग अलग लीगों के बारे में हम सुनते आए हैं कि ये नंबर दो पर पहुंच गई, ये नंबर तीन पर आ गई, लेकिन ये कहना वाकई में जायज है कि नेपाल जो है, नेपाल प्रीमियर लीग शायद अगले एक दो सालों में जैसे ही शुरू होगी ये तहलका मचाने वाली, क्योंकि जिस तरीके का बज है और जिस तरीके से यहाँ पर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो जानकारी आपको देनी है, और साथ ही ये भी बताना है क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये लगातार मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई नेपाल की जो पूरी ये जो टूर्नामेंट शुरुआत कब से होगा, टीमें कितनी है, सही से क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। और यहाँ तक कि शिखर धवन को लेकर जो अपडेट आई है कि वो भी नेपाल प्रीमियर लीग में खेलेंगे, उसके बारे में भी, और साथ ही ये भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो लाइक जरूर करें, और साथ ही नेपाल पर हमारी कवरेज आपको कैसी लगती है उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले नेपाल में के लिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है शिखर धवन को लेकर कि वो नेपाल में खेलते नजर आने वाले हैं, एनपीएल में वो खेलते नजर आएंगे, कर्णाली यॉर्क्स टीम का वो हिस्सा बने, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कोई भारतीय खिलाड़ी, वो भी टॉप लेवल का खिलाड़ी, आईपीएल खेलने, आईपीएल जो खेल रहा है वो खिलाड़ी वो एनपीएल में खेलने जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी उनके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नेपाल प्रीमियर लीग के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये शुरुआत कब से होगी इसकी। दरअसल 30 नवंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है, 21 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। वहीं अगर बात करें इस टूर्नामेंट की तो 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और वहीं कुल 32 मुकाबले इसमें खेले जाएंगे, यानी कि जबरदस्त तरीके से मुकाबला रहेगा। और वहीं कीर्तिपुर में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है जहां पर इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाते हैं, सारे मुकाबले इसी मैदान पर खेले जाएंगे। तो ये है पूरे टूर्नामेंट की अपडेट। वहीं अगर प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें एक दो नहीं बल्कि कई देशों के और अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिमी निशम आपको नजर आएंगे यहाँ पर, इसके अलावा मार्टिन गप्टिल भी आपको दिखेंगे, उन्मुख चंद भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, हाल ही में उनको साइन किया गया, इसके अलावा बेन कटिंग हो गए, और फिर अब जो खबर आ रही है कि फाइनली यहाँ पर आपको शिखर धवन भी दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाबर हयात और फिर अब जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के चैडविक, कई सारे खिलाड़ी ऑलरेडी इस लीग से जुड़े हुए हैं, तो ये लीग अपने आप में जबरदस्त होने वाले, क्योंकि खिलाड़ी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर और बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा बने हैं इसके, लिहाजा ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से जबरदस्त होने वाला। वहीं अगर आप देखें बाकी फॉर्मेट की तो लगभग पूरा आईपीएल जैसा ही रहेगा, किस तरीके से टीमें आगे बढ़ती हैं, फाइनल में पहुंचती हैं, एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाता है, उस तरीके से रहेगा। तो ये शानदार होने वाला है और आपको पूरी कवरेज भी यहाँ पर स्पोर्ट्स नाउ पर मिलने वाली है। तो नेपाल के जितने भी फैंस हैं आप लोग भी बताइए कि फाइनली कौन सी टीम आपकी यहाँ पर फेवरेट है, क्योंकि मुकाबला जो है इस बार आपके ही खिलाड़ियों का आपस में ही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि नेपाल क्रिकेट के विकास के लिए जो हमने लगातार देखा है, जब T20 फॉर्मेट में फिलहाल अभी हाल ही में नेपाल ने तो फिर भी बेहतर किया, लेकिन जब आ जाती है बारी की भाई थोड़ी फील्डिंग में मामला फंस जाता है, बैटिंग में अगर आप देखें दो तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं और बाकी खिलाड़ियों को हमें लगता है कि यार इनके पास टैलेंट तो है लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाते। वहीं अगर आप देखें गेंदबाजी में भी तो शायद ये वो लीग है जो अगले एक दो साल में नेपाल क्रिकेट को यहाँ से और ऊपर लेकर जाने वाला है, तो शायद ये बेहतरीन तरीके से इसकी कवरेज हम करने वाले हैं। बाकी आप इस लीग को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि अगर नेपाल की पहला जो सीजन है वो बेहतर हो जाता है तो इसको आप कितनी जल्दी आप एशिया में इस लीग को आगे बढ़ते देखते हैं, और क्या लगता है कि शायद क्या ये वाकई में PSL से आगे निकल सकता है, कमेंट करके। इवन अगर आप देखें PSL से आगे निकलने का मतलब है कि जो बज होता है, जो फैंस में क्रेज होता है, मैंने देखा कि PSL में ग्राउंड में लोग नहीं जाते, नेपाल के नॉर्मल मुकाबलों में भी ग्राउंड भरे रहते, उस तरीके से आप बताइए क्या लगता है कि नेपाल नंबर दो पर आ जाएगा, कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए।